हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल इन दिस वीडियो वे विल कवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 की और हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट को या इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है ओके okay. इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है पब्लिश करने के डायमेंशन क्या क्या हैं मानक कौन कौन से हैं इस रिपोर्ट को कैसे पब्लिश किया जाता है किन बातों का ध्यान रखा जाता है किन दे, उन डाइमेंशंस के बेसिस पर कंट्रीज को रैंक कैसे दी जाती है फाइन इंडिया की करंट रैंकिंग जानेंगे हम इंडिया की प्रीवियस रैंकिंग जानेंगे और कौन सा कंट्री टॉप स्पॉट पर है ओके सो मूविंग ऑन टू टूअर फर्स्ट स्लाइड हमारी पहली स्लाइड है इसको प्रिपेयर कौन करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को

इन द ईयर 1990, ठीक है तो ये जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की इसकी पहली रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी 1990 में ओके समटाइम्स आस्क यू दैपन फॉर द फर्स्ट टाइम ओके यूपीएससी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी घटना पहली बार हुई थी ओके तो इस रिगार्डिंग मैंने ईयर मेंशन किया है सो दिस इज इंपॉर्टेंट

मानक कौन कौन से हैं जिनके बेसिस पर इस आ, रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है कंट्रीज को रैंक दी जाती है ओके सो डायमेंशन आर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये तीन डायमेंशनस हैं ये तीनों इन तीन डायमेंशंस के बेसिस पर कंट्रीज को रैंक दी जाती है ओके Fine. so three dimensions sometimes uh, commission ask about the dimensions also okay then as i as i said earlier india's rank india's rank in 2020 from 189 countries okay total 189 countries were there and india's rank in the year 2020 is 131 okay and what was india's rank in the previous year 129.

So, कौन सा कंट्री टॉप स्पॉट पर है कंट्री एट टॉप स्पॉट इज नॉर्वे उसके बाद आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड आपके लिए जानना जरूरी है फर्स्ट नंबर पर कौन सा कंट्री है कंट्री टॉप कौन सा कर रहा है नॉर्वे ओके देन यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट है यू एन डी पी फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द न्यू मेट्रिक और अ न्यू मेथड रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट बाय ईच कंट्रीज पर कैपिटा कार्बन एमिशंस एंड इट्स मटेरियल आउटप्रिंट क्या कह रहा है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर एक ऐसे मेथडोलॉजी का अडोप्ट किया है पहली बार जहाँ से वो हर एक देश की पर कैपिटा जो इनकम है उसमें कार्बन एमिशन और उसके जो इफेक्टिवनेस है उसका कितना आउटप्रिंट है ये भी इस

प्रोड्यूस uh, करने में और उनको कंज्यूम करने में ओके फाइन देन ये यहां पर कुछ कंट्रीज मेंशन है, ठीक है इंडिया की जो रैंक uh, दो पोजीशन गिरी है उसका कारण क्या है दो इंडिया इट्स एब्सोलूट वैल्यू ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.645 इन 2019 एंड फ्रॉम 0.642 पॉइंट सिक्स फोर टू द प्रीवियस ईयर इट ड्रॉप द प्लेस इन द ओवरऑल रैंकिंग ठीक है सो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की इंडिया की इंडिया की ड्रॉप हुई है कैसे 0645 2019 ओके नाउ नो नॉट नाउ फ्रॉम 0.642 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ठीक है यहाँ पर आप लोग एक बेसिक चीज देखिएगा जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें श्रीलंका सबसे बेटर पोजीशन पे है श्रीलंका इज एट द सेवेंटी टू पोजिशन ओके और जो दो कंट्रीज जिन्होंने इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत की थी दो इनिशिएटेड कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इंडिया वन थर्टी वन पर है पाकिस्तान वन फिफ्टी फोर पर है ओके okay? मतलब जिन्होंने शुरुआत करी उनकी हालत ये है और अगर हम चाइना की बात करें चाइना इज एट दी फिफ्थ पोजिशन ओके रशिया फिफ्टी टू ठीक है सो साउथ एशियन एशियन कंट्रीज की हम बात करें तो श्रीलंका टर पोजिशन और एक पोजिशन एक पोजिशन का इनको आ, फायदा भी मिला है बेसिकलीवर एट सेवेंटी थ्री लास्ट टाइम नो दे आर सेवेंटी टू ओके ये हिसाब से एग्जाम पूछा नहीं जाएगा बस आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ ओके सो इंडिया के करंट ईयर जानना जरूरी है आपको रैंक प्रीवियस ईयर में क्या थी ओके देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन दैट सेम रिक्वेस्ट इफ यू फाइंड द यूजफुल देन प्लीज प्लीज गाइड Please like the channel, share it, and subscribe the channel. And the name of the channel is Current Affairs Express underscore 32. Or afko is video ka PDF. You will find the PDF of this video in my Telegram group under the same name, Current Affairs Express underscore 32. Okay, you will find the channel under the same name. सेम नेम करंट अफेयर्स एक्सप्रेस थर्टी टू ओके गाइस सो प्लीज गाइस यहाँ तक अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए नहीं अच्छा लगा हो तो उसको आप डिसक भी कर सकते हैं फाइन सो दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ओके गाइस सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन God bless you and stay safe.